सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। शाहरुख से हुए झगड़े के बाद बॉलीवुड के रैप किंग यो हनी सिंह डिप्रेशन में आ गए थे और उसके बाद अचानक हनी सिंह बॉलीवुड से गायब हो गए और काफी दिनों बाद खबर मिली कि असल में हनी सिंह रिहैब सेंटर में अपना इलाज करा रहे थे। अब खबर ये है कि कपिल शर्मा भी रिहैब सेंटर में अपना इलाज करा रहे हैं। कपिल की मानसिक हालत और उनके शराब के नशे में हुए कई किस्से तो लगातार सामने आए हैं, जहां पिछले साल कपिल ने शराब के नशे में सुनील ग्रोवर के साथ खूब गाली गलौज की और उसके बाद भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं। हाल ही में एक वेबसाइट के एडिटर विकी लालवानी के साथ भी शराब के नशे में कपिल ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। हालांकि इस मामले के बाद कपिल ने अपनी एक्स मैनेजर नीति और प्रीति पर आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत देकर अपना स्टेटमेंट भी दर्ज कराया था और इसके बाद नीति ने ट्विटर पर अपनी सफाई देते हुए कपिल की खराब मानसिक हालत और उसके नशे की आदत का जिक्र किया था। हालांकि कपिल शर्मा से बातचीत करने की हमने लगातार कोशिश की, लेकिन कपिल के सभी फोन बंद हैं और कपिल फिलहाल किसी से बात करने के मूड में नहीं हैं। जबकि कपिल से जुड़ी टीम का कहना है कि कपिल छुट्टियों के लिए बाहर गए हुए हैं और सफर कर रहे हैं, जिसके चलते उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। जबकि सूत्रों की माने तो कपिल मुंबई से बाहर किसी रिहैब सेंटर में अपना इलाज करा रहे हैं। हालांकि इस बात की अभी तक कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है। जब इस खबर को लेकर हमने उनकी टीम से पूछने की कोशिश की तो उनका कहना है कपिल छुट्टियों के लिए बाहर गए हैं, कपिल किसी रिहैब सेंटर में नहीं है। अब डिस्टर्ब कपिल वाकई अपने डूबते करियर को बचाने के लिए और खुद को इस डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए रिहैब में अपना इलाज करा रहे हैं या फिर वाकई मुंबई से दूर छुट्टियां मना रहे हैं, इस बात का खुलासा शायद कपिल की वापसी के बाद ही हो पाएगा। ट्राई करें और घंटी को दबाएं लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए।